हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज हम पॉम पॉम बनाना सीखेंगे, और वो भी बिना पॉम पॉम मेकर के। विदाउट पॉम पॉम मेकर हम हाथ की उंगलियों के ही द्वारा जो है पॉम पॉम बनाएंगे, और ये पॉम पॉम आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़े और छोटे पॉम पॉम बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, हमने ये ऊन ले रखी है और कैंची, इन दो की सहायता से आप इन पॉम पॉम को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इनको बनाते हैं। सबसे पहले हम इतना सा तागा काट लेते हैं। इस तागे को देखिए बीचों बीच से इस तरह से लेते हुए और दो उंगलियों के बीच में इस तरह से डाल देते हैं, इस तरह से डाल देते हैं। अब देखिए, मैं छोटा वाला पॉम पॉम बनाऊंगी। इस टाइम पर हम दो उंगलियों में इस तरह से देखिए तागे को लेते हैं इस तरह से, और आपको जितना बड़ा पॉम पॉम का गुच्छा लेना है उतने आप ये फोल्ड लेंगे। तो इस फोल्ड को मैं 50 फोल्ड लेती हूँ मैं, तो आप 50, 60 कितने भी फोल्ड ले सकते हैं। देखिए, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50 और 50। इसके बाद हम तागे को यहाँ पर से काट देते हैं। अब आप देखिए, इस तागे को हम इस तरह से बीचों बीच से देखिए, यहाँ पर एक हम गीठ बना देते हैं। सबसे पहले बीचों बीच से एक गीठ डाल देते हैं इसमें, और उसके बाद देखिए इसे उंगली से निकाल करके इस तरह से निकालते हैं, इस गीट को और टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद एक बार इसका इस तरह से राउंड करेंगे, और इस तागे को इधर से राउंड करेंगे घुमाते हुए, और यहाँ पर फिर से हम एक गीट मारते हैं। और एक और गीठ और मार लेते हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल बीचों बीच में से हो गया ये। अब हम पहले एक साइड से इसकी कटिंग करते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड के भी फोल्ड को काट देते हैं हम। देखिए, ये पॉम पॉम तैयार हो गया हमारा। जैसे ये और पॉम पॉम है, देखिए आप, देखिए जैसे ये वाला पॉम पॉम है। ये छोटे साइज का पॉम पॉम है। इसी तरह से आप बड़े और छोटे किसी भी साइज के पॉम पॉम बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पॉम पॉम आप बना सकते हैं हर साइज़ के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।